किसी भी परियोजना का फीता काटने को लेकर सरकारों में होड़ मची रहती है। कई बार तो अधूरी परियोजनाओं का भी उद्घाटन कर दिया जाता है, तो कहीं परियोजनाओं का लाभ आम लोगों को इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि मंत्री या अधिकारी के पास इसका उद्घाटन करने के लिए टाइम नहीं होता। लेकिन गुरुग्राम में बने फ्लाईओवर को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐसा फैसला लिया जिसकी हर ओर सराहना हो रही है। हम बताते हैं क्या है वो फैसला। कैंची से रिबन काटकर फ्लाईओवर का उद्घाटन करने वाली इस महिला का नाम शांति देवी है। वो ना तो कोई मंत्री है ना ही विधायक, वो किसी बड़े पद पर भी नहीं है। शांति देवी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती है और काफी समय से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स में मजदूरी कर रही है। आमतौर पर शिलान्यास या उद्घाटन के कार्यक्रमों में मंत्रियों और अधिकारियों को बुलाया जाता है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने फ्लाईओवर निर्माण करने वाले मजदूरों से ही इसका उद्घाटन करा दिया। गुरुग्राम में इफ्को चौक पर 33 करोड़ रुपए की लागत से यूनिडायरेक्शनल फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। 917 मीटर लंबा ये फ्लाईओवर एक साल में बनकर तैयार हुआ। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से मानेसर जयपुर जाने वालों को फायदा होगा। शुरुआत में लगभग 12,000 वाहन यहां से रोज गुजरेंगे। इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए 40 मजदूरों को बुलाया गया था और उनमें से एक मजदूर शांति देवी से नए साल की शुरुआत में इसका उद्घाटन कराया गया। इसके बाद इस फ्लाईओवर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।